ये मेरी पत्नी है, उसका नाम पूजा है और हमारी शादी फरवरी 1994 में हुई और मार्च 1995 के दरमियान इनको प्रेगनेंसी रहते हुए लंग्स फेफड़ों के अंदर पानी भर गया और उस वक्त हमको गोधरा से ऐसा बोला गया कि ये जो लेडी है वो 3 दिन जीवित रह सकती हैं, उससे ज़्यादा हम इनको बचा नहीं सकते हैं, आप इसको इमरजेंसी में अहमदाबाद ले जाओ। हम लोग अहमदाबाद की राजस्थान हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया और यहाँ के बड़े डॉक्टर डॉक्टर एंटी वाणी गायनेक और डॉक्टर जकरिया करके कार्डियोथोरेक्सिक सर्जन थे, उनके हाथ में केस रहा। उन्होंने बोला कि 72 आवर्स तक हम लोग वॉच करते हैं मगर केस बचना बहुत ही मुश्किल है। उस वक्त लगभग 8वां महीना उनको था। इन दिनों में हमने सब जगह से हार चुके थे और हम लोग ने हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से मनोमन बहुत ही प्रार्थना की। फिर पिताजी श्री रेवाचंद जी, उन्होंने बापू से संपर्क करने के लिए प्रयत्न किए, तब बापू सूरत में थे, तब फिर फ़ोन से बापू जी से बात हुई तो बापू जी ने बोला कि आप चिंता मत करो, उनको कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने बोला कि भाई गौ जो गाय माता होती है उसका गोबर, उसको गंगा जल में छान करके या किसी भी तरह उसको पानी में छान करके वो जो गोबर है उसको रोज़ पिलाते जाओ, जितना जल्दी हो सकेगा प्रेगनेंसी भी क्लियर हो जाएगी और जो भी दुख है सब टल जाएंगे। डॉक्टर्सों ने क्लियर ना बोल दिया था कि ये प्रॉब्लम्स नहीं होगा, अगर समझो कि डिलीवरी हो जाती है तो या तो माँ बचेगी या तो बेटी बचेगी, जो भी उस वक्त उनको पता था कि बच्ची है पिट में, तो उन्होंने बोला कि बच्ची बचेगी या तो माँ बचेगी। मगर बापू जी की इतनी असीम, पूज्य बापू जी संत श्री आशाराम जी महाराज की इतनी असीम कृपा रही हमारे ऊपर और उन्होंने दिया हुआ ये एक इलाज जिसको हम रोज़, जैसे बापू ने बताया था ऐसे हर रोज़ सुबह खाली पेट गंगा जल में मिला के गाय का ताज़ा गोबर लाते थे और उनको पिलाते थे और 11वें या 12वें दिन उनको नॉर्मल डिलीवरी ली, जो सीजरिन बोल रहे थे वो भी नहीं करनी पड़ी, नॉर्मल डिलीवरी हो गई और सब प्रॉब्लम्स वहाँ से टल गए और आज वो भी जीवित हैं मेरी धर्मपत्नी और जो बच्ची का बर्थ हुआ वो मेरी सबसे बड़ी बेटी अंजलि है। अच्छा, डॉक्टरों ने उसके बाद बोला था कि अगर समझो डिलीवरी हो जाती है और माँ बच जाती है, बच्ची की बचने की संभावना नहीं है, तो उसके बाद और डिलीवरी होना संभव नहीं है। मगर उसके बाद मेरे को ये दूसरी बेटी हुई और ये छोटा बच्चा 4 साल का है अभी, वो मेरे को हुआ।